यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC होता है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था और इसकी जो टेक्नोलॉजी थी ये वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था और सन 1946 से लेकर 1958 तक ये कंप्यूटर चलते रहे मार्केट में। ये कंप्यूटर इतना बड़ा था, लगभग इसका जो वजन था वो 30 टन का था और लगभग 1000 स्क्वायर फीट की बड़ी बिल्डिंग में इसको रखा गया था। बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता था, दुनिया का पहला कंप्यूटर था। और किसके लिए इसको बनाया गया था, तो अमेरिका ने इसको बनाया था रिसर्च के लिए, अमेरिका के लिए और जो स्पेस ये सारी रिसर्चेस होती हैं उसके लिए और कैलकुलेशन के लिए, गलती मॉडल की बहुत सारी कैलकुलेशंस थी उनको के लिए बनाया गया था। अबेकस में मेन रूप से क्या लगा हुआ था, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, अगर हम आम तरह के आज से 10 साल पहले देखेंगे तो हमारे घरों में जो टीवी हुआ करता था उसके पीछे ट्यूब के पीछे एक बल्ब लगा हुआ करता था, वो बल्ब ही वैक्यूम ट्यूब्स था। बल्ब आप देख सकते हैं कि इसमें, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगा था। तो ये होता है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और अगर दुनिया का पहला कंप्यूटर के बारे में बात की जाएगी तो वह अबेकस होता है, जिसको पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था।